पी बुच जी आईसीआई से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली, उसके आगे लिखा हुआ अलाउंस ग्रेच्युटी फंड। 2014-15 में 5,36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई, चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ है ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया, ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी व्हेन शी वाज इन द आईसीआईसीआई बिटवीन 2007-08 एंड 2013-14, द एवरेज कम्स आउट टू बी 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई, कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथा कथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में वो होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई, और पेंशन कितनी? 2 करोड़ 77 लाख औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी मैं फिर से दोहराता हूं, 1 करोड़ 30 लाख सालाना औसत तनख्वाह 2007-08 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा हो। अब उन्होंने दूसरा मुद्दा आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है। आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। ये आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां सेबी होता है, यूएस में एसईसी होता है। अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पर डाली नहीं, ये एक और सवाल है। आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली?
चलिए नहीं डाली होगी, कोई कारण होंगे। अब आइए आप जो अमेरिका में एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है, वो कहती है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज देयर ईसॉप्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स फॉलोइंग देयर वॉलंटरी टर्मिनेशन। अगर मैं आईसीआईसीआई से खुद इस्तीफा देता हूं या देती हूं तो उस इस्तीफे की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं अपने ईसॉप्स को वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं भुना सकता हूं, मैं ले सकता हूं। ये उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज में लिंक है, खोल दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 साल बाद माधवी बुच जी इस्तीफा देने के 8 साल बाद ईसॉप भुना रही हैं। ये कौन सी पॉलिसी के तहत भुना रही है? नई पॉलिसी कहां है? कौन सी वेबसाइट पे है? आईसीआईसीआई हमें बताए। वी डिमांड टू नो फ्रॉम आईसीआईसीआई। वी कैन ओनली गो बाय द वेबसाइट ऑफ एसईसी वेयर यू हैव अपलोडेड योर पॉलिसी विच सेज दैट विद इन 3 मंथ्स ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन यू कैन एक्सरसाइज योर ईसॉप्स। दिस लेडी इन क्वेश्चन मिस माधवी पी बुच इज एक्सरसाइजिंग हर ईसॉप्स 8 years after she voluntarily terminated her services from ICICI. And strangely, the benefit that accrued to her coincided with her tenure in SEBI. अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या ये एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है अगर मैं आईसीआईपी में होता या आप आईसीआईसीआई में होते। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं, कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा, उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, यह हम जानना चाहते। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नीति, यह पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनके ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? Do you do this? Do you extend this courtesy to every employee of ICICI that you pay the TDS on their behalf? And ये जो TDS आपने दिया, जो 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 amount है उस TDS का आपने pay कर दिया माधवी जी के behalf पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की income में माना नहीं जाएगा? हम और आप income tax देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं income tax को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप, हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है और यहां भी
माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की, बताएं, डिमांड टू नो, नहीं तो माधवी जी जवाब दें।